कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथा 49वीं गाथा जिसे प्रवचन सार में अलिंग ग्रहण के विशेष 20 अर्थ किए गए इसलिए यह गाथा अलिंग ग्रहण की गाथा इस नाम से भी प्रसिद्ध है। जीव का टंकोत्कीर्ण एक लक्षण पूछा था तो उस लक्षण की चर्चा इस श्लोक के माध्यम से की गई थी और टंकोत्कीर्ण जीव का स्वरूप बताने के लिए अस्ति का स्वरूप तो एक है और बाकी सभी नास्ति रूप विशेषण दिए थे। अमृतचंद्र आचार्य ने उनके हरेक के हेतु अनेक हेतु देते हुए उस विशेषण की विशेषता उस विशेषण युक्त जीव की विशेषता ऐसी विशेषता सहित हम है इससे हमारी दृष्टि अपने तक आवे इसलिए सभी विस्तार से चर्चा की गई है। इन विशेषणों में से एक विशेषण जो अस्थि परक है उसकी चर्चा अपनी शेष रह गई है। पहले हम गाथा पाठ करते हैं जिस गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है उसके बाद जो अंतिम विशेषण रहा है उसका विश्लेषण जो अमृतचंद्र आचार्य ने किया है उसकी हम चर्चा करेंगे। सुनील जी 49वीं गाथा का पद्यानुवाद के साथ पाठ करते हैं। हर्षवरूपं गन्धं औवत्तं वे चेदणागुणमसद्धं जानालिङ्गग्रहणं जीवमणिदिष्ठसन्ताणं चैतन्यगुणमय आत्मा
अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण इसे, यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। अंतिम चेतना गुणम असद्धम जो अशब्द है वह अरस अरूप अगंध स्पर्श के साथ जुड़ेगा, उनके साथ में अशब्द या अंतिम चेतना गुणम, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले एक प्रश्न ऐसा हो सकता है, अनुशीलन में प्रश्न उठाया भी गया है, अरस अरूप अगंध आत्मा अरस है तो इसका अरस रस रहित, तो इसका अर्थ ये करना चाहिए था खट्टा मीठा कड़वा चरपरा कषायला, ये जो पांच प्रकार का रस होता है इस रस से रहित होने के कारण से आत्मा अरस है, ऐसा कहना चाहिए था। और ऐसा न कह करके ये कहां कहां की बातें लेकर के बैठे। तो एक इसका उत्तर ये दिया कि अरस क्यों है, इसके हेतु दिए गए हैं जिससे हमें अच्छी तरह से ख्याल में आए है, रस गुण पुद्गल में ही होता है और उससे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, न हम हमारे में रसगुण है, न हम स्वयं रसगुण रूप है। गेय गायक का संबंध यदि है तो द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय से रस को नहीं चखते, नहीं गेय गायक संबंध जानते तो है ना, इतना तो संबंध है। तो गेय गायक संबंध सचमुच कहने का है, कथन मात्र का ही है, कोई संबंध नहीं है। संबंध तो तब कहलाता है कुछ प्रभावित करें, गे गे में है, ज्ञान ज्ञान में है, गायक गायक में है, का कहने मात्र का संबंध है। और इसलिए और यदि है भी तो अकेले रस के साथ नहीं है, सभी के साथ है। और यदि है गे रूप उसे जानने का तो उस रूप नहीं होता है, तन्मय होता ही नहीं, ये सारे हेतु देख करके अरस कहा। फिर भी कोई कहे कि यह अर्थ तो करना ही चाहिए था, कहते जैसे आचार्य ने किया है तो जैसे आचार्य ने किया, अमृतचंद्र आचार्य ने क्यों नहीं किया? तो उसका उत्तर ये दिया है कि आगे जो 50 से 55 तक की गाथा आने वाली है उसमें पुनः ये कहने वाले हैं, यहां अरस अरूप अगंध कहा और अगली गाथाओं में कहेंगे जीवस नत्थि वन्नो नवि रसो नवि फासो, जीव का वर्ण नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, ऐसा निषेध करेंगे। वहां जो जीव का रस नहीं है ये कहेंगे, वहां अमृतचंद्र आचार्य ने ये पांच प्रकार का रस और ये चूंकि जीव में नहीं होता इसलिए वह रस रहित है, इस तरह का अर्थ वहां किया हुआ है। अनिर्दिष्ट संस्थान में छह प्रकार का संस्थान होता है, समचतुरस्रादि, और ये नहीं होने से अनिर्दिष्ट संस्थान कहा, तो जैसे आचार्य ने किया। और अगली गाथाओं में अमृतचंद्र आचार्य अर्थ करने वाले हैं और हर एक आचार्य की अपनी विशेष शैली होती है अर्थ करने की, उस अनुसार अर्थ करते हैं। दूसरी अपन ने चर्चा की थी कि अकेले ये नहीं है ऐसा शब्द का अर्थ बताना ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। कुंदकुंद आचार्य ने ये प्रतिज्ञा की है, तम एयत विहतम दाये हम अपनो सभी हवे न, एकत विभक्त आत्मा को दिखाएंगे, तो जो विशेषण देंगे उससे विभक्तता और अपने स्वयं से एकत्व ये प्रतिफलित होना चाहिए, प्रतिभासित होना चाहिए, अच्छी तरह से उभर कर आना चाहिए। तो अरस आदि विशेषणों के माध्यम से उस भेद विज्ञान की मुख्यता अमृतचंद्र आचार्य ने रखी है। अब चेतना गुण अंतिम विशेषण, लेकिन जितना चैतन्य गुण जीव में महिमावंत है, उसकी जितनी महिमा है, जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही आचार्य अमृतचंद्र को भी उसकी महिमा आती है। और इसलिए
क्या विशेषण लगाते हैं, मैं चेतना गुण सहित है, इसलिए जो चेतना गुण है, यहां भी चेतना गुण सहित ऐसा न कह करके चेतना गुणम, मूल में भी कहा चेतना गुणम जीवा, बस चैतन्य गुण और मैंने गुण मैं है, और संस्कृत में भी चेतना गुण, चेतना गुण है वही जीव है, जीव रूप है, ऐसा कह रहे हैं। तो चेतना गुण तो अकेला चेतना गुण ही है क्या? वो तो गुणों का समूह होता है, गुणों का समूह है, परंतु उस गुणों के समूह रूप द्रव्य को जीव क्यों कहते हैं? जीव किस कारण से कहा जाता है? इसी चेतना गुण के कारण से कहा जाता है। यदि बाकी के सारे गुण है अस्तित्वादि सामान्य, और बाकी के और विशेष गुण भी समझ ले, परंतु चैतन्यता नहीं है तो क्या होगा? चैतन्यपना नहीं है, चेतना गुण नहीं है तो क्या होगा? कदाचित द्रव्य तो बने लेकिन जीव नहीं कहलाएगा, क्योंकि जीव कहना ये तो उस चेतना के कारण से ही कहा गया है ना, यही तो उसका लक्षण है, इसी से तो पहचाना जाएगा। इस अधिकार के उपसंहार में जो कलश आए हैं, उस कलश का जो पद्यानुवाद, उस कलश में दिया कि चैतन्यपना ही जीव का निर्दोष लक्षण है, और वो वहां शब्द का प्रयोग किया जीवन है। आपके सामने तो नहीं आ पाएगा, मैं बोलता हूं, अति व्याप्ति अव्याप्ति दोषों से विरहित चैतन्य में उपयोग लक्षण है जीव का। लेकिन खास बात तो ये लिखी, अतः अवलंब लो अविलंब इसका ही, क्योंकि यह भाव ही है जीवन इस जीव का, चैतन्य में उपयोग लक्षण है इस जीव का। तो चैतन्य में उपयोग कहो, चैतन्य में कहो, चेतना गुण कहो, क्योंकि उपयोग ज्ञान दर्शन और चेतना में भी अभेद रूप से ज्ञान दर्शन ही आते हैं, ये लक्षण है जीव का। अवलंब अविलंब लो, अवलंब अविलंब अवलंब लो माने बिना विलंब के इसका ही अवलंबन करो, क्योंकि यह भाव ही है जीवन इस जीव का, इस जीव का जीवन है, इसलिए वो महिमावंत है भी, और उसकी महिमा भी विशेष विशेषणों के माध्यम से यहां करने जा रहे हैं। जैसे ये हम जीवित हैं, इस देह की कीमत कब तक है, और इस देह को जीवित कब तक माना जाता है? कि जब तक इसमें प्राण है, जीव है प्राण है, और इस देह से प्राण निकल गए तो ये जैसे मुर्दा है, ऐसे ही जीव में से चैतन्यपना निकल गया तो क्या बचा? मुर्दा बचा, माने इसलिए वो चैतन्य का इतना महत्व है, और इस कारण से चेतना गुना, हाँ लीजिए पीपीटी लीजिए इसकी, पहले इसके जो चेतना गुण के लिए हेतु या विशेषण दिए हैं, उन सारे विशेषताओं को एक बार उल्लिखित करते हुए पढ़ता हूं, फिर मेरा विचार पीछे से अर्थ करते हुए चलने का है, इसलिए मैं एक बार पढ़ रहा हूं। समस्त विप्रतिपत्ति प्रमाथिना, ये तृतीय विभक्ति जहां जहां लगी ये सब विशेषताएं हैं। समस्त विप्रतिपत्ति प्रमाथिना विवेचक जन समर्पित सर्वस्वेन सकलमपि लोकालोकम कवलीकृत्य अत्यंत सौहित्य मंथरेण इव सकल कालमेव मनाकपि अविचलित अनन्य साधारणतया स्वभावभूतेन स्वयं अनुभूयमानेन चेतना गुणेन नित्यमेव अंतः प्रकाशमानत्वात् चेतना गुणाः च। वो चेतना गुणाः, ये जो लिया
ये उन सबके साथ संधि बैठी कि अरसह अरूप अगंध अस्पर्श अशब्द अनिर्दिष्ट संस्थान अव्यक्त अलिंग्रहण चेतना गुणा च सजीव। वो जीव इस रूप में आगे जोड़ेंगे इसे चेतना गुणा च चेतना गुण। अब यहां से इधर से चल रहे अपन, चेतना गुण क्यों है? क्योंकि चेतना गुणेन नित्यमेव अंतः प्रकाश मानत्वा चेतना गुणः। जैसे पीछे कलश में लिया, खारे पन से भरी हुई है नमक डली जो, तो ज्ञान भाव से भरा हुआ है आत्मा। नमक कहते ही हमें खारे पने का ध्यान आता है, मिश्री कहते ही मीठे पने का। क्यों? क्योंकि वो खारे पने से अंदर में निरंतर प्रकाशमान है। कहीं से चखा जाए, नमक में से खारापन ही खारापना, मिश्री में से मीठापन ही मीठापना, और किस समय चखे तब वह मीठी लगेगी? सुबह दोपहर शाम? रात्रि तो चखने का प्रश्न ही अपने लिए, परंतु उसमें वह स्वाद निरंतर प्रकाशमान है। इसलिए मिश्री को मीठी, नमक को खारा। वे मिश्री कैसी होती पूछा जाएगा ना, तो कोई नहीं कहेगा कि वो कंकड़ जैसी होती है, सफेद सफेद सी दिखती है, उसका स्पर्श गंध वर्ण कोई नहीं बताएगा, स्वाद बताएगा, क्योंकि वो स्वाद रूप ही मुख्य रूप से है वह। ऐसा ही आत्मा जीव है वो चेतना गुण। क्यों? चेतना गुणेन नित्यमेव अंतः प्रकाशमानत्वात्। अंतरंग में देखा जाए चैतन्य गुण से नित्य प्रकाशमान है। जब जब अंतरंग में देखा जाए, अंतरंग इसलिए कह रहे हैं कि बहिर्दृष्टि से देखेंगे तो ये जड़ देह दिखती है, लेकिन अंतरंग में जानन देखन स्वभावी जो आत्मा है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए तो अंतः प्रकाशमान, अंतरंग में निरंतर प्रकाशमान है, चेतना गुण से प्रकाशमान है और नित्यमेव। वो नित्यमेव एक निरंतरता है और दूसरी नित्यता है अनादि अनंत। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नाही भेद गिने संसार। तो निगोद से लेकर के सिद्ध तक, सिद्ध होने के बाद भी बाकी सब चला जाएगा, जो बचेगा क्या बचेगा? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, वह भी चैतन्य पने से प्रकाशमान है, और निगोदिया भी चैतन्य पने से प्रकाशमान, निरंतर प्रकाशमान। तो वहां से लेकर अनादि अनंत नित्यमेव अंतः प्रकाशमान, किससे? कि चेतना गुण से। तो चैतन्य चैतन्य पने से जो प्रकाशमान हो रहा है वो चेतना गुण में ही तो होगा, इसलिए चेतना गुण से प्रकाशमान होने से चेतना गुण। लेकिन चेतना गुण कैसा है, चैतन्य गुण कैसा? थोड़ा थोड़ा पीछे से चलते हैं। नित्य कह दिया वैसे तो नित्यमेव अंतः प्रकाशमान, लेकिन और क्या विशेषता या पीछे से ले रहे हैं, सकल कालम एव मनाकपि अविचलित अनन्य साधारण तया स्वभाव भूतेन स्वयं अनुभूयमानेन। वो चेतना गुण ये चैतन्य रूप है, ये कैसे जाना? स्वयमेव ही अनुभव में आता है। जीव जैसे मैंने कहा ना, मिश्री कहती मिठास, नमक कहती खारापना। क्यों? मीठापना खारापना उनका स्वभाव है, तो स्वभाव भूत होने से उस रूप से अनुभव में आते हैं। वैसे ही चैतन्य पने से ही, चेतना गुण से ही संपन्न प्रकाशमान क्यों है? कि चैतन्य गुण से ही अनुभव में आता है। वह चैतन्य पना उसका कैसा है? अनन्य साधारण तया, ये जो साधारण शब्द लग रहा है लेकिन ये असाधारण है। असाधारण का अर्थ किसी अन्य में न पाया जाए, ऐसा नहीं कि सब में हो, ऐसा नहीं है। इसलिए अनन्य साधारण, असाधारण, और किसी में नहीं पाया जाता। जीव को छोड़कर जगत के अनंत पदार्थों में और किसी में नहीं है।
तो जीव भी तो अनंत है, सब में होगा ना, सबका अपना अपना अलग अलग है, इसलिए बिल्कुल असाधारण हरेक का, अनन्य साधारणता असाधारण, किसी अन्य में न पाया जाए। और स्वभाव भूत ही न, स्वभाव भूत, ऐसा नहीं है कि जैसे लोक में कहा तो जाता है कि कभी कोई थोड़ी सी कम अकल की बात करे, कोई मूर्खता की बात करे, तो ये कहते हैं कि अरे अकल बट रही थी, तुम कहाँ गए थे, लाइन लगी थी और तुम सबसे पीछे खड़े थे, तो भगवान के पास अकल खत्म हो गई तो तुम्हें मिली नहीं। तो ऐसा कोई भगवान बैठा है जो अकल देता होगा? ऐसा चेतनापना किसी ने दिया है? दिया नहीं है, स्वभाव भूत है ना, स्वभाव भूत है। और वो स्वभाव भूत होने के कारण से ही दिया नहीं है तो कोई छीन भी नहीं सकता है। बाकी किसी में नहीं है, असाधारण अनन्य साधारण असाधारण है, स्वभाव भूत है, और स्वभाव भूत पने से स्वयं अनुभव में आता है। और सकल कालम एव मना कपि अविचलित, जो अभी टंकोत्कीर्ण कहने वाले ना, टंकोत्कीर्ण टाकी से उकेर दिया गया हूं ऐसा, वह चैतन्य पना सर्वदा सकल कालम निरंतर और मना कपि अविचलित, थोड़ा सा भी विचलित नहीं होता, कितना भी करो तो भी विचलित नहीं होता। जैसे मिश्री के टुकड़े टुकड़े करते जाएं, क्या होगा, मिठास चली जाएगी। अकेले टुकड़े टुकड़े करने की बात नहीं, बिल्कुल चक्की जैसे पीस करके आटा जैसा बिल्कुल चूर्ण कर दिया जाए तो मिठास चली जाएगी, पानी में घोल दिया जाए तो मिठास चली जाएगी, कहीं नहीं, वो मीठा मीठापना छूटने वाला नहीं है उसका। मराठी कहावत याद आ रही है, करेले का कड़वापना कैसा होता है, एक तो स्वभाव भूत और कड़वेपने से करेला, और ये कहते हैं कि वो करेला और कोई नीम चढ़ा हो तो और मीठा कड़वास आ गई उसमें। अब कहते हम अरे उसकी भी सब्जी बनानी चाहिए, सब्जी बनाते हैं, बहुत स्वादिष्ट तो होती कि नहीं पता नहीं है, लेकिन बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, तो बनानी चाहिए तो बनाए, लेकिन कड़वा अपना कम करना चाहिए। तो कैसे कम किया जाए, किस तरीके से कम हो सकता है, तो उसके लिए कहावत ऐसी लिखी, कड़ू कारल तुपा तरल आणि साकरेत घोळल तरी कड़ू ते कड़ू। मराठियों को छोड़कर और सबको समझ में नहीं आई होगी बात, कड़वा करेला घी में तला और शक्कर में उसमें पाग दिया तो भी कैसा लगने वाला है, वह कड़वा है तो कड़वा ही लगने वाला है, जो कड़वा है वह कड़वा ही रहेगा कितना भी किया जाए, क्यों, स्वभाव है ना, वो छूटता नहीं, अविचलित विचलित नहीं होने वाला है, किसी भी तरीके से किसी भी कारण से विचलित होता ही नहीं है, अविचलित। सकल काल मना गपी, थोड़ा सा भी नहीं, कोई कोना हो जाता होगा आगे, कोई नहीं होता है, पूरे चैतन्य चैतन्य पने से ही सकल कालम अपी मना कपी। चार गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है, जब नरक में चला जाता है तो तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, तो तिल तिल के बराबर टुकड़े कर दिए तो चैतन्य पना नष्ट हो गया होगा, कुछ नहीं बिगड़ा, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, एक श्वास में 18 बार कितना भी कुछ भी करो कुछ नहीं बिगड़ता। सकल काल में वो मना कपि अविचलित, अभी अभी और विशेषता बता रहे हैं, ऐसा वो चैतन्य पना स्वभाव भूत है, उसी रूप से स्वयं अनुभव में आता है। शक्कर मिश्री जबान पर रखते ही स्वयं अनुभव में आती है कि मीठी है, उसके लिए कुछ और किसी को बताना पड़ेगा, कुछ और उसके लिए सहयोग चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव है सहज ही। ये चैतन्यपना कैसा है, चैतन्यपना क्या सामर्थ्य है चैतन्यपने की, उसके पहले वाली विशेषता, सकलमपि लोकालोकम कवली कृत्य
अत्यंत सौहित्य मंथरेणिव, अरे वो चैतन्य पना तृप्त है सौहित्य मंथरेणिव। सौहित्य मंथरन जो कहा ना, जैसे खा पी करके जो तृप्त होकर के मंथर हो जाता है, अब जिसे कुछ करना ही नहीं है ऐसा जो हो गया, लेकिन किसके कारण से हुआ, सारे लोकालोक को कवली ग्रास बना लेने से, निगल जाने से, निगल लिया सबको, और इसलिए अत्यंत सौहित्य मंथरेण, सुख से शौक से तृप्त होकर के मंथर हो गया। और मंथर हो गया का अर्थ हिंदी में किया कि बाहर निकलने को अनुद्यमी हो गया, बाहर निकलना ही नहीं चाहता है, चैतन्यपना छोड़ना ही नहीं चाहता है, कहां जाए, सारा लोकालोक उसमें आने की सामर्थ्य है। तो सारे लोकालोक को कवली कृत्य ग्रास बना करके, तो अभी तो कह रहे थे कि निगोद से सिद्ध तक की अवस्था होती है, तो निगोदिया जीव, निगोदिया तो ठीक है, हम संगी पंचेंद्री मनुष्य बने। अरे जो देव है, जो तीन ज्ञान के धारी होते हैं, उन्हें भी तो सारा लोकालोक कहां विषय बनता है, उनके इन सब का चेतना गुण तो सारे लोकालोक को ग्रासीभूत करने वाला, सारे लोकालोक को जानने वाला नहीं है ना। कहते सामर्थ्य की तरफ से बात की जाए, शक्ति की तरफ से बात की जाए, सामर्थ्य कितनी उसमें, वह सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व शक्ति संपन्न है, और सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व में सारे लोकालोक को ग्रासीभूत करने का सामर्थ्य, मुझे सारे लोकालोक के पास जाने की जरूरत नहीं है, सारा लोकालोक मुझ में प्रतिभासित हो सके ऐसी सामर्थ्य वाला, इसलिए सारे लोकालोक को कवली कृत्य ग्रासीभूत करके मानो शौक से तृप्त हो गया, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा चैतन्यपना हमारे पास है ना, तो वह हमें प्राप्त होगा कि नहीं होगा, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो किन्हें मिलेगा, उसके पहले वाली विशेषता लेते हैं। विवेचक जन समर्पित सर्वस्वेन, विवेचक जन, और विवेचक जन है ऐसे सीधा सीधा विवेचना करना, विचार करना उस अर्थ में होता है, लेकिन यहां सीधा अर्थ क्या, भेद ज्ञानी, जिन्हें भेद विज्ञान हुआ है, ऐसे भेद ज्ञानी जन, भेद विज्ञानी जो है, उन भेद विज्ञानियों को जिसने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है, समर्पित सर्वस्वेन, वो चेतना गुण कैसा है जो भेद ज्ञानियों को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, विवेचक, सारा सार विवेक करते हैं, स्व पर का विवेक जो कर सकते हैं, हिताहित का विवेक करते हैं, और अपना क्या है इसका अच्छी तरह से निर्णय करते हैं, इस तरह से निर्णय करते हैं कि अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना, पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना, इस तरह अच्छी तरह जो निर्णय करते हैं, ऐसे जो विवेचक जन भेद ज्ञानी, उनको जो सर्वस्व समर्पित कर देता है ऐसा चेतना गुण, उन्हें सर्वस्व समर्पित करता है का तात्पर्य क्या, उन्हें सचमुच चैतन्यपना क्या है ये अच्छी तरह से भासित होता है, पूरी तरह से, अन्यथा जिन्हें इस तरह भेद विज्ञान नहीं है, किसी को किसी में मिलाकर विवेचन करते हो, प्रकाश से ज्ञान हो रहा है, इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है ऐसा मानते हो, अपने को काला गोरा मानते हो, एक दूसरे को मिला करके विचार करते हो, उन्हें क्या चैतन्य की महिमा आने वाली है, चेतना गुण की क्या महिमा आएगी, समझ लीजिए चेतना गुण ये कहता है ऐसे लोगों के हाथ में ये दे दिया, इनको सौंप दिया, ये तो इसकी मिट्टी पलीत करने वाले, कर ही रहे है ना, सारे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जितने स्वयं चैतन्य रूप होकर के भी, और वो चैतन्य ज्ञान स्वरूप है तो नियम से सुख स्वरूप है, सुख स्वभावी है, लेकिन अपने आप को क्या मानते क्या समझते हैं, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान, तन उपजत अपनी उपजान, तन नशत आपको नाश मान,
क्या स्थिति बना रखी, इस चैतन्य पने की स्थिति क्या बना रखी है, क्या मानता अपने आप को। चैतन्य रूप संवेदन संचेतन करने वाला जगत का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ होते हुए भी ये जड़ देह रूप ही अपने आप को अनुभव करता है। इसीलिए तो कुंदकुंद आचार्य अष्टपाहुड़ में कहते हैं ये मिथ्या दृष्टि, ये तो चलता फिरता शव है, चल फिर तो रहा है लेकिन अपने को देह मानता है। जिसे आगे कर्ताकर्म अधिकार में जाकर कहने वाले हैं, मूर्छित कलेवर में अमृत स्वरूप भगवान आत्मा, मृतक कलेवर में अमृत स्वरूप भगवान आत्मा मूर्छित हो रहा है। मृतक कलेवर, ये तो जीव निकल जाएगा तब मृतक नहीं, ये तो जड़ ही है ना। अब मैं ये हूं जड़ देह ऐसा मान रहा है, चैतन्य को भूल गया। तो जिसको चैतन्य की महिमा नहीं है उसका चैतन्य गुण क्या समर्पित होगा। इसलिए जिस चैतन्य गुण किसे समर्पित हो, विवेचक जन समर्पित सर्वस्वेन। एक तो विवेक भेद ज्ञानियों को ही जो सर्वस्व पने समझ में आ सकता है, और दूसरी बात अकेला चेतना गुण ही नहीं आता फिर वेद ज्ञानियों के पकड़ में। अनंत गुणांश से समकित वह चैतन्य गुण के माध्यम से चैतन्य गुण रूप अपने को अनुभव किया, अयम अहम अनुभूति, यह अनुभूति है यही मैं हूं, और अनुभूति वो चैतन्य रूप, इसलिए यही मैं हूं ऐसा जिन्होंने अनुभव किया उसके साथ अनंत गुणों का साम्राज्य, अनंत गुणों में निर्मलता, और वह उसके साथ सुख आया तो सुख के भले ही अनंतवा भाग हो, वो सुख की कनिका अतीन्द्रिय सुख की कनिका भी उसके साथ जागृत हो जाती है। तो चेतना गुण को जिसने ग्रहण कर लिया, उस भेद विज्ञानी को जो सर्वस्व समर्पित कर देता है उसके साथ, विवेचक जन समर्पित सर्वस्वेन। और अब सबसे पहला विशेषण, समस्त विप्रतिपत्ति प्रमाथिना, सारे विप्रतिपत्तियों का यहाँ पे प्रमाथी शब्द जो दिया ना, वो प्रमाथी इसका मतलब है सारे विवादों का, बिल्कुल लौकिक भाषा में शब्द प्रयोग किया जाए ना, प्रमाथी का सुपड़ा साफ करने वाला, सत्यानाश करने वाला, माने कोई भी प्रतिपत्ति शेष नहीं रह सकती, बिल्कुल सत्यानाश, कोई भी प्रतिपत्ति रह नहीं सकती है। अब यहां भी प्रतिपत्ति के दो अर्थ हैं। पहला जो यहां प्रकरण के अनुसार अर्थ है वो लेते हैं। प्रकरण के अनुसार अर्थ है जीव के संदर्भ में, जो आत्मा के संदर्भ में, जो आत्मा को जानते नहीं, किसी न किसी पर को आत्मा मानते हैं। तो कोई अध्यवसान को कहता है, कोई नो कर्म को कहता है, कोई कर्म के समूह को कहता है, कोई जीव और कर्म के संयोग को कहता है, ऐसा परस्पर विवाद करते हैं। और ये जो परस्पर विवाद करते हैं ये भी प्रतिपत्ति, वाद विवाद, एक कहता है ऐसा एक कहता है ऐसा, ये परस्पर विवाद। लेकिन जब अच्छी तरह से ये निर्णय हो जाए कि जीव चैतन्य रूप ही है, आगे आगे चल करके कहने वाले कोई दोष इसमें नहीं आएगा, अध्यवसान आदि निर्णय करेंगे तो दोष आएंगे, वो जीव का निर्दोष लक्षण सिद्ध नहीं होगा, लेकिन चैतन्य पना कहा तो निश्चित रूप से कोई विवाद नहीं। चैतन्य पना सब जीवों में घटित होता है और जीव को छोड़कर अन्य किसी द्रव्य में नहीं होता बिल्कुल भी, इसलिए चैतन्य पना ही जीव का लक्षण है। इसमें सचमुच में यदि पक्षपात छोड़ करके वस्तु स्वरूप की गहराई से विचार किया जाए तो सारे विवादों का हल हो सकता है। तो चैतन्य गुण, जीव को चैतन्य गुण वाला मान लिया तो उस चेतना गुण के कारण से जीव के संदर्भ में जितने विवाद हो सकते हैं, जीव ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है, उन सारे भी प्रतिपत्तियों का अच्छी तरह से नाश होता है। तो सारी भी प्रतिपत्तियों का नाश करने वाला ऐसा चेतना गुण। और अब दूसरा अर्थ, हमारे जीवन में भी जितनी विपत्तियां आए,
उन सारी विपत्तियों को भी दूर करने वाला चेतना गुण ही है। एक वाक्य बोलते हैं, ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। ज्ञान ही सर्व समाधान, जगत की किसी समस्या का समाधान ज्ञान में है। अरे बड़े बड़े देशों के बीच जितने विवाद खड़े हो जाए, किससे हल होते हैं देशों के विवाद? लड़ाई झगड़ों से हो जाएंगे, करते रहो लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे की लड़ाई झगड़ा करते हुए। हाँ, जबरदस्ती किसी पर कब्जा भी कर लोगे तो अंदर से तो स्वीकार करने वाला नहीं है, तो चलते ही रहने वाला है। तो क्या प्रयास करते? प्रयास ये करते हैं, वार्ता करो, बैठ करके बातचीत करो, और बातचीत करके एक दूसरे को अपना पक्ष समझाओ, और समझने पर सामने वाले को बात समझ में आएगी, मान लेगा, तो विवाद समाप्त हो जाएगा। तो एक दूसरे ने समझा, ये ज्ञान का काम। तो ज्ञान से हल निकलेगा, और किसी से हल नहीं निकलेगा। बाकी ये तो देशों के हुए, समाज के हो, परिवार के हो, एक व्यक्ति के हो, किसी के भी हो, जितने परस्पर में विवाद खड़े होते हैं, अधिकतर भ्रम के कारण खड़े होते हैं, परस्पर भ्रम के। सीधे कहा जाए तो आजकल जो मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं, इनके कारण से होते हैं। अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग से विवाद हो रहा है, उसको दूर करने का उपाय क्या है? क्या करते रहो? और कुछ भी करते रहो नहीं होगा, तो क्या करो? अंडरस्टैंडिंग कर लो। अंडरस्टैंडिंग किससे होगी? कि ज्ञान से होगी। अपने में भी आकुल व्याकुलता के परिणाम, राग द्वेष के परिणाम, दुखी हो रहे हो, इससे समाधान निकलेगा। और ये सारा दुख जितना भी है, टोडरमल जी की भाषा में सीधा सीधा कहा जाए, भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। और जितने विवाद जहां पर भी है ना, परस्पर अपने अंदर के भी आकुल व्याकुलता के परिणाम, ये सब भ्रम के कारण से खड़े हुए हैं। अब भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना है। और ये सारे भ्रम और भ्रम के मोह राग द्वेष के परिणाम एक कारण से है, जिसे टोडरमल जी कहते हैं, राग द्वेष की उत्पत्ति का विधान क्या है? यह प्राप्त पर्याय में तन्मय होता है। माने उस देह में एकत्व बुद्धि की सारे झगड़े खड़े हो गए, शुरू हो गए सारे झगड़े। ये देह में ऐसा माना, माने सारे झगड़ों की जड़ इस देह की एकत्व बुद्धि है, इससे राग द्वेष सब सब जो कुछ भी होगा। तो क्या करना? मैं देह हूं ऐसा न मानते हुए मैं चैतन्य गुण वाला हूं, देह में हूं ही नहीं। अब देह मैं नहीं हूं, चैतन्य गुण ही हूं, तो इसके कारण जो राग द्वेष हो रहे हो, वो सारे विवाद सहज ही शांत होने वाले हैं। समस्त भी प्रतिपत्ति प्रमाथिना। अरे लोक में भी जब बहुत ज्यादा झगड़ा किसी से होता है और दूसरे समझाने आते हैं, और हम बहुत उद्वेलित हो रहे हैं, बहुत टेंशन में है, तब बहुत समझाते हुए भी अधिकतर लोग ये कहेंगे, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे इतने लोग समझा रहे तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है, और तुम अकेले रह जाओगे तो क्या कर लोगे? लीव मी अलोन कह रहे हो, अकेला छोड़ दो मुझे, क्या करोगे? अकेला छोड़ने पर शांति से बैठकर विचार करोगे, अपने चित्त को एकाग्र करोगे, ज्ञान का उपयोग करोगे, और ज्ञान से सही बात समझ में आ जाएगी, तो सारे तुम्हारा समाधान हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इस दृष्टि से भी देखा जाए तो उन सारे भी प्रतिपत्तियों का भी निराकरण करने वाला कोई तो चेतना गुण ही है, चैतन्यपना ही है। चैतन्यपने में सर्व समाधान है। अपने को चैतन्य रूप स्वीकार कर लिया तो सारे समाधान हो सकते हैं। समस्त भी प्रतिपत्ति प्रमाथिना, ऐसा जो चेतना गुण, ऐसे चैतन्य गुण से प्रकाशमान। अब फिर से एक बार इधर से लेते हुए चलते हैं, कैसा चैतन्यपना? सारे विप्रतिपत्तियों का नाश करने वाला समस्त विप्रति प्रमाथिना, विवेचक जन समर्पित सर्वस्वेन, भेद ज्ञानियों को जिसने सर्वस्व समर्पित कर दिया है, सकलम अपि लोकालोकम कवली कृत्य अत्यंत सौहित्य मंथरेणैव, सारे लोकालोक को ग्रासी भूत करने के कारण से
तृप्त हो गया है, और तृप्त होने से मंथर हो गया, और मंथर ऐसा हो गया, हिंदी में अर्थ दिया उपशांत, ऐसा शांत हो गया कि वहां से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है, बस अब चैतन्य पना ही। सकल कालम एव मनाक भी अविचलित, सर्वदा थोड़ा सा भी अल्प सा मना कपी अविचलित, विचलित नहीं होते हुए अनन्य साधारण अर्थात असाधारण, किसी और में नहीं, ये बिल्कुल मेरी अकेली की क्वालिटी, स्वभाव भूते न किसी दूसरे ने नहीं दी, स्वयं अनुभूय माने न स्वयं अनुभव में आती है, ऐसी चैतन्यता चेतना गुणे न, और नित्य मेव अंत प्रकाशमानत्वात् चेतना गुणा, नित्य ही अंतर में प्रकाशमान होने से चेतना गुण वाला है स खलु। अगली पंक्ति में वह वास्तव में, इतनी विशेषता वाला जो है वह वास्तव में वो टंकोत्कीर्ण जीव की तरफ ले जा रहे हैं, और उसके पहले यहां भी उसके विशेषण लगाते हैं, भगवान अमल आलोक। कैसा है भगवान आत्मा, आगे आगे चल करके तो 72-73 गाथा, 72 भी गाथा, 74 भी गाथा, भगवान आत्मा 3-3 बार प्रयोग करने वाले हैं। यहां भी कह दिया भगवान अमल आलोक, ऐसा जो है अरस अरूप अगंध अनिर्दिष्ट संस्थान अव्यक्त अलिंग ग्रहण और चेतना गुण वाला वह भगवान, वह भगवान है। गुरुदेव कहते हैं भग माने लक्ष्मी, ज्ञान और आनंद की लक्ष्मी से जो युक्त है वह भगवान, तो चेतना गुण इसके कारण से जो भगवान है, चैतन्य के साथ आनंद जुड़ा हुआ है, तो इससे सहित जो है वह भगवान। अमल आलोक, तो चैतन्य पने का प्रकाश अंदर में कैसा है, निर्मल है। पानी कभी भी मलिन नहीं होता, कैसे नहीं मलिन होता है, गंदगी मिल जाए तो मलिन हो जाता है ना, मिलती नहीं ना गंदगी, थोड़ा सा शांत रख दो मिट्टी मिट्टी में रह जाती, पानी पानी में रहता है। ऐसा श्रद्धा में विपरीतता आती है, चारित्र में विपरीतता आती है, लेकिन ज्ञान यदि सचमुच ज्ञान भी उसी तरह से विपरीत हो जाए ना तो सम्यकपना कैसे होगा, फिर भी ज्ञान में जानने की सामर्थ्य निर्णय करने की सामर्थ्य पड़ी रहती है। अमल आलोक, इसलिए वो चैतन्य पने का प्रकाश वो निर्मल है, निर्मल प्रकाश वाला अमल आलोक। हाँ, तो भगवान और अमल आलोक ये दो विशेषण लगाए, ऐसा इह एकहा टंकोत्कीर्णा प्रत्येक ज्योति ही जीवहा, ऐसा यह एक टंकोत्कीर्ण, इतने सारे तो विशेषण दिए, ऐसे विशेषता वाला विशेष व एक जीव, और ये विशेषता टाकी से उकेर लो, ये बदलने वाली नहीं है, आरा स्वरूप अगंध ये सभी चैतन्य गुण पना ये कभी बदलने वाले, टंकोत्कीर्ण प्रत्यक्ष ज्योति ही सारे जगत से भिन्न, वो प्रत्यक्ष शब्द दूसरे कलश से ही प्रत्यक्ष आत्मा से ही, पर द्रव्य, पर द्रव्य के भाव उनके निमित्त से उत्पन्न होने वाले विकारी भाव, इन सबसे भिन्नता प्रत्यक्ष शब्द में, प्रत्यक्ष ज्योति ही वह जीव है। अब इसमें बदलेंगे नहीं, इसमें फिर बार बार वाद्यवसान को भी कहा था, फिर बदल करके इसको कहा उसको कहा, चैतन्य पना ही जीव का लक्षण है, यही टंकोत्कीर्ण एक जीव है, इसको जाने इसको पहचाने इसको माने इसमें लीन हो जाए तो निश्चित रूप से शुद्ध रूप की प्राप्ति, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग मुक्ति की प्राप्ति तक का सारा सफर सहज होने वाला है, और बाकी में तो उलझते ही रहेंगे, एक इंद्री दो इंद्री जीव अध्यवसान जीव, इनमें उलझते रहेंगे तो उलझते ही रहेंगे, इसलिए यही एकमात्र वास्तव में जीव का सही स्वरूप है। इस तरह से 49वीं गाथा की चर्चा अपनी पूरी हुई। अब इसका उपसंहार करते हुए जो कलश लिखा है उसकी और चर्चा करके आज की चर्चा अपन पूरी करेंगे। अब उस कलश में विस्तार करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उपसंहार का है, तो यही बातें लेते हुए बात कही गई है। कलश स्क्रीन पर आ गया आपके सामने, कलश का पाठ कर रहा हूं मैं। सकलमपि विहायान्नाय चित्शक्ति रिक्तम्
स्फुटतरमवगाह्य स्वञ्च चिच्छक्तिमात्रम् इममुपरिचरन्तं चारु विश्वस्य साक्षात् कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनन्तम् कलयतु आत्मा आत्मानम् आत्मनि अनंतम्। कितने आत्मा लगा दिया, आत्मानम् आत्मनि अनंतम्, आत्मा आत्मानम् आत्मनि अनंतम्। कोई प्रश्न कर रहे हैं कि आलोक की व्याख्या, आलोक माने प्रकाश, वो पिछले उसमें जो आया ना अमल आलोक, निर्मल प्रकाश, तो चैतन्यपना जो है चैतन्यपने को प्रकाश कह रहे हैं, और चैतन्यपना वह निर्मल ही होता है, इस रूप में उसे लिया, निर्मल प्रकाश वाला ऐसा टंकोत्कीर्ण एक जीव है। चैतन्यपने की अपेक्षा अमल आलोक कहा उसको, निर्मल प्रकाश वाला कहा। परम आत्मानम्, उत्कृष्ट आत्मा को, आत्मा अपनी ही आत्मा में अनंतम अनंतपने से कलयतु, जाने पहचाने उसी में लीन हो जाए, अनुभव करे, इसकी प्रेरणा दे रहे हैं। कैसे करे? दो बातें, अस्ति और नास्ति। नास्ति में उलझे रहे तो मुश्किल होगी, और अभी जैसा नहीं है वैसा मान रहे, इसीलिए तो उलझन हो रही है और ये सारे विवाद खड़े हो रहे हैं। इसलिए उन सब को छोड़कर, सकलम अपि विहाय अन्हाय चित शक्ति रिक्तम, चित शक्ति रिक्तम, चैतन्य शक्ति से रहित ऐसे जो कुछ भी है उन्हें विहाय माने छोड़कर, और वो छोड़ना भी कैसा कह रहे, जो अन्हाय शब्द दिया ना उसका अर्थ किया मूल से, जड़ से, माने जड़ से छोड़ो, जिसमें चैतन्यपना नहीं है उसे कोई लेना देना नहीं है, उसमें मत उलझो। चित शक्ति रिक्तम, चैतन्य शक्ति से जो रहित है, रिक्त है, उन सब को सकलम अपि विहाय छोड़ करके। तो सकलम अपि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सारा लोकालोक, गुरुदेव जिसको कहते थे एक तरफ राम और एक तरफ गाम। राम कौन? ये आत्मा राम, और वो आत्मा राम कौन सा कि जिसमें चैतन्यपना है, और उस चैतन्यपने से, और वो चैतन्यपने में भी ये जीव तत्व की बात है, तत्वार श्रद्धान, तत्व की, जीव द्रव्य की बात नहीं। और जीव तत्व की बात करते तो हम क्या कहते हैं, कौन जीव तत्व है? जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव तत्व, बाकी सब क्या है? फिर बाकी सब अजीव तत्व है। तो अजीव तत्व है कि नहीं? नहीं, उनमें भी होगा, उनमें होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं है। तो वास्तव में तो चैतन्य शक्ति से रिक्त का अर्थ ही है मेरी चैतन्यता से जो रिक्त, मेरा चैतन्यपना जहां नहीं है उन सबको छोड़ो। कहां कहां नहीं है? मेरे इस आत्मा के अलावा और कहीं नहीं है। देह राग माने वो अंतिम विकारी भाव राग तक आना है, वह इन सब को छोड़ करके, चैतन्य शक्ति के अतिरिक्त बाकी सब को छोड़ करके, मूल से छोड़कर, सकल विवाह अन्नाय चित शक्ति रिक्तम। तो चैतन्य शक्ति से रहित उन सबको छोड़ दिया तो करना क्या? स्फुट तरम अवगाय स्वम चित शक्ति मात्रम, स्वम अपने आप को, चित शक्ति मात्र, चैतन्य शक्ति मात्र हूं ऐसा अवगाहन करके, या अपना जो स्पष्ट चैतन्य रूप स्वरूप है उसमें ही अवगाहन करके, और अवगाहन करने से तात्पर्य डूब जाना, अवगाहन करने का डुबकी लगाना, और डूब जाने का अर्थ है उसे ही जाने, उसे ही पहचाने, और उसी में लीन हो जाए। माने श्रद्धा ज्ञान चारित्र की परिणति बस चैतन्य शक्ति मात्र में, मैं चैतन्य शक्ति मात्र हूं। पुण्य पाप अधिकार में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषा तीनों की ज्ञान की तरफ से दी, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं ऐसा जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान। मैं ज्ञान स्वरूप ही ऐसा श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन।
और ज्ञान स्वरूप ही हूं उसकी लीनता, उसका नाम सम्यक चारित्र। सर्वत्र ज्ञान ज्ञान ज्ञान, चैतन्य शक्ति मात्र में डुबकी लगाओ। अनंत गुण चैतन्य शक्ति मात्र में आ जाना चाहिए, बस चैतन्य शक्ति मात्र उसमें अवगाही अवगाहन करके। कैसी चित शक्ति है वह, या जिस आत्मा की बात कर रहे वो आत्मा कैसा है। एवं उपरि चरंतम चारु विश्वस्य साक्षात, साक्षात विश्वस्य उपरि चरंतम, मानो विश्व के ऊपर तैर रहा हो, इतना चारु सुंदर है। मुकुट जैसे सर्व सिर के सर्वोत्कृष्ट ऊपर के भाग में होता है, अरे जो उत्कृष्ट है उसको ऊंचे स्थान पर बिठाया जाता है। इसका मतलब सारे विश्व के ऊपर तीरता हुआ का अर्थ सर्वोत्कृष्ट, ऐसा वह आत्मा। वह आत्मानम कलयतु, उस आत्मा का अनुभव करो। विश्वस्य साक्षात उपरि चरंतम, और दूसरा अर्थ करते हैं जो सबसे भिन्न होती जाती है, हल्की फुल्की हो जाती है, वह ऊपर 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 आती जाती है। व्यापगत लेपाला भूवद एरंड बीजवद अग्नि शिखावत, जैसा कहा ना मोक्ष अधिकार में, सबसे रहित होती गई तो ऊपर 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 आई, और वह आत्मा जब निर्भार सबसे रहित हो गई, मुक्त हो गई, तो श्लोक के शिखर के अग्रभाग में जाकर सबसे ऊपर। तो ये विश्व के ऊपर तिरने वाले का अर्थ सबसे भिन्न, बाकी सबसे वही चित शक्ति रिक्तम विहाय कहा था ना, चैतन्य शक्ति से अतिरिक्त सबको छोड़ करके। तो सबको छोड़ा, इसके कारण से इतनी हल्की फुल्की हो गई, मानो विश्व के ऊपर तैरने लगी। तो सबसे भिन्नता के अर्थ में विश्वस्य ऊपरी चरंतम, विश्व के ऊपर तिरती हुई, और दूसरा उत्कृष्ट होने के कारण, सर्वोत्कृष्ट है इसलिए विश्व के ऊपर तिरती हुई। एवं ऐसे इस आत्मा को, और आत्मा है वो परम, सर्वोत्कृष्ट है इसलिए भी परम। तो आत्मा परमात्मा है तो परमात्मा है क्या, ये स्वभाव से परमात्मा है। अप्पा सो परम अप्पा, गुरुदेव के सुबह रन चैनल पर प्रवचन आते हैं उसके पहले ये वाक्य रोज दोहराते हैं, वो परमात्मा छू एम नक्की कर, वो परमात्मा छू एम निर्णय कर, वो परमात्मा छू एम अनुभव कर, स्वयं परमात्मा। तो उत्कृष्ट आत्मा, स्वभाव की अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट अपना आत्मा, उस आत्मा को आत्मनि आत्मा में ही अनंतम, अनंत के दो अर्थ, एक तो काल की अपेक्षा से कभी अंत नहीं आएगा इस कारण से अविनाशी है, और अनंत गुण सहित होने से जिसका सामर्थ्य अनंत है। अभी चैतन्य की शक्ति की बात कर रहे थे, सारे लोकालोक को ग्रासी भूत करने से जो मंथर हुआ है, तो कितनी सामर्थ्य ज्ञान में, सारे लोकालोक को जाने, ऐसा वो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन। तो ये अनंतता, सामर्थ्य की अनंतता और काल की अनंतता अविनाशी, ऐसे आत्मा में आत्मा का कलयतु अनुभव करे। तो ये पिछली गाथा में भी जो बात कही वो चेतना गुणम पर लाए, और अरस अरूप आदि कह करके चैतन्य शक्ति से जो अन्य है उनसे उनका निषेध किया। तो चैतन्य शक्ति के रहित जो है उनको मूल से छोड़कर, पूरी तरह से छोड़ करके, और जो चैतन्य शक्ति मात्र है उसका अवगाहन करते हुए सर्वोत्कृष्ट आत्मा को आत्मा में ही लीन करे। जैसे स्वतंत्र लोकतंत्र जनतंत्र होता है सब कुछ जनता का, ऐसे ये भी आत्मतंत्र है, अनुभव की कला में आत्मतंत्र है। पीछे कलश लिया था ना, विरम किम अपरे न कार्य कोलाहल न स्वयं अपि निवृत सन पश्य षण्मासमेकम् हृदय सरसि पुंसा पुद्गलाद् भिन्न धामनो। इसी हृदय रूपी सरोवर में वो चैतन्य रूप आत्मा है, और स्वयं ही मधुकर बन करके भोरा बन करके उसका स्वाद ले लो, माने सब कुछ यही है, कहीं बाहर से लाने की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। सब कुछ आत्मा को आत्मा में, आत्मा के द्वारा आत्मा को ही करना है, अन्य कुछ नहीं है। प्रवचन सार की 16वीं स्वयंभू की गाथा, कहीं दूसरे की आवश्यकता नहीं है।
उसके जो छह कारक चाहिए तो छओ के छओ कारक अपने ही है, आत्मा की ही है, किसी दूसरे की उसमें आवश्यकता ही नहीं है। और इसीलिए निमित्तों की खोज में क्यों व्यग्र होते हो, निमित्तों की किसी अन्य की आवश्यकता ही नहीं है। तो आत्मानम आत्मनि कलयतु अनंतम, आत्मा को आत्मा में ही स्थिर करते हुए उसका ही अनुभव किया जाए, इस तरह से इसमें प्रेरणा दी गई है। कलश का पद्यानुवाद के साथ पाठ करते हैं। बोलिए सुनील जी। पद्यानुवाद नहीं आएगा। सकलमपि विहायानाय चेच्छक्तिरेकं स्फुटतरमवगाय स्वं च चेच्छक्तिमात्रम् इममुपरितचरन्तं चारु विश्वस्य साक्षात् कलयतु परमात्मात्मानात्मात्मन्यनन्तम् चैतन्य शक्ति से रहित पर भाव सब परिहार कर, चैतन्य शक्ति से सहित निज भाव नित अवगाह कर, ऐ श्रेष्ठतम जो विश्व में सुंदर सहज शुद्धात्माव उसी का अनुभव करो तू स्वयं हे भव्यात्मा। जीवाजीव अधिकार है और जीवाजीव अधिकार वो जीव अजीव के भेद प्रभेद बताने के लिए नहीं है, अजीव से भिन्न जीव का ज्ञान कराने के लिए है। अजीव से भिन्न जीव का मात्र ज्ञान कराने के लिए नहीं है, उसका ज्ञान करके जानकर पहचान कर उसमें लीन होने के लिए, अनुभव करने के लिए है। इसलिए ऐसे उस चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करने की प्रेरणा इस कलश में दी गई है। ये 49वीं गाथा विशेष पूर्ण की है। अब अगली कक्षा अपने दश लक्षण के बाद संभव हो सकेगी। अब दश लक्षण के सभी के कार्यक्रम नियमित होंगे, उससे पूर्व श्वेतांबर परिवेशन में भी व्याख्यानमाला होती है, वो अध्यात्म स्टडी सर्किल मुंबई में आयोजित करता है, उसमें भी 8 दिन पूर्व से ही व्याख्यान प्रारंभ करने हैं, फिर दश लक्षण में भी चलेंगे। इसलिए अब दश लक्षण के पश्चात जो भी शनिवार रविवार आएंगे तब वहां 50 से 55 तक की गाथाओं का समूह है, उसकी चर्चा अपन करेंगे। तब तक इसका आलोडन चिंतन मनन हम करते रहे इसी मंगल भावना से। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सुपावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा